दोस्तों, इस दुनिया में जब भी सबसे खतरनाक जानवरों की बात होती है तो सबसे पहले शेर, बाघ और चीतों का ही नाम आता है। लेकिन इस दुनिया में कई जीव ऐसे भी हैं जो भले ही आकार में इन खूंखार जानवरों के बराबर ना हों, लेकिन इनके कारनामे इन सभी से बड़े होते हैं, क्योंकि ये शिकारी आकार में छोटे होने के बावजूद भी अपने शिकार को इतनी चालाकी से अंजाम देते हैं कि कई बार तो इनके शिकार को भी पता नहीं चल पाता कि कब उनका शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे जीवों से मिलाने वाला हूँ जो दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10, जॉइंट सेंटीपीड। दोस्तों, कनखजूरे दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक हैं। अगर बात करें इनके आकार की तो इनका आकार दूसरे कनखजूरों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसके साथ ही इनके पास बहुत ही खतरनाक पैर होते हैं जो काफ़ी तेज और नुकीले होते हैं, जो इन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं। अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले ये बड़े कनखजूरे बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जो छोटे पक्षी, चमगादड़, मकड़ी, चूहे और यहाँ तक कि छिपकलियों को भी अपना शिकार बनाते हैं। वैसे तो ये बड़े कनखजूरे जहरीले नहीं होते, लेकिन ये अपने तेज और नुकीले पंजों की मदद से अपने शिकार को दबोचने और दम घोटने में माहिर होते हैं, और यही कारण है कि ये अपने शिकार को अपनी कुंडली में मजबूती से जकड़ लेते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका खेल खत्म नहीं हो जाता। 9, डेथ स्टेल्कर स्कॉर्पियन। दोस्तों, ये बिच्छू आकार में तो 3 इंच का होता है, लेकिन इसका जहर इतना खतरनाक होता है जिसका एक डंक किसी भी जीव को फड़फड़ाने पर मजबूर कर देता है। ये बिच्छू नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के गर्म इलाकों में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, और ज़्यादातर ये रात के समय ही अपने शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं, जिसके बाद ये अपने से छोटे या फिर अपने ही आकार के बराबर दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। ये बिच्छू इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे और उसे तुरंत डॉक्टर की मदद ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। आपको बता दूं कि इस बिच्छू के जहर का असर सीधे इंसान के फेफड़े और दिल पर पड़ता है, जो इंसान की मौत का कारण बनता है। 8, गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। दोस्तों, ये मेंढक दुनिया के सबसे खतरनाक मेंढक में से एक है, जो दिखने में ही बड़ा खूबसूरत और शानदार लगता है, लेकिन जितना ये शानदार होता है उतना ही खतरनाक इसका जहर होता है, जिसके दम पर ये किसी भी जीव को कुछ ही देर में मौत की नींद सुला देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस मेंढक का जहर इतना घातक होता है कि ये एक या दो नहीं बल्कि 10 से 12 लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं, और यही कारण है कि इस मेंढक के जहर के संपर्क में आने वाले इंसान का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और आगे जाकर उसे हार्ट अटैक हो जाता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि इस पीले मेंढक के जहर का इस्तेमाल आदिवासी लोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए करते हैं। 7, मैंटिस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मैंटिस दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है, वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा शिकारी है जो अपने से 2 गुना बड़े शिकार पर भी हमला करने से नहीं चूकता, और इसलिए इन्हें आकार में छोटा और कमज़ोर समझना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि जब ये छोटा शिकारी बहुत भूखा होता है तो ये अपने से बड़े पक्षियों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटता, यहाँ तक कि ये छिपकली जैसे बड़े शिकारी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंटिस सबसे पहले छिपकली के मुंह को अपने पंजों से पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे बड़ी चालाकी से खाना शुरू करता है। इसकी पकड़ छिपकली की गर्दन पर इतनी मजबूत होती है कि ये छिपकली सिर्फ तड़पने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाता। 6, मिंक।
दोस्तों ये जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बहुत से इलाकों में पाए जाते हैं। ये इतना खूंखार शिकारी होता है कि अपने से कई गुना बड़े जानवरों और पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेता है। इनके शिकार का तरीका इतना खतरनाक होता है कि उसे देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जब भी अपने शिकार पर हमला करते हैं तो ये उसकी पीठ पर चढ़कर उसकी गर्दन को पूरी तरह से दबोच लेते हैं और उसके लाख कोशिशों के बावजूद ये तब तक अपने शिकार को नहीं छोड़ते जब तक उसका खेल खत्म नहीं हो जाता। अपने शिकार को पा लेने के बाद ये सबसे पहले अपने शिकार का मजा उठाते हैं, जिसके बाद ये बचा हुआ खाना अपने बिल में ले जाते हैं, जिसके कारण कई दिनों तक इनके भोजन की पूर्ति हो जाती है। नंबर 5, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। दोस्तों ये ऑक्टोपस हिंद महासागर में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, लेकिन ये दिखने में जितने मासूम लगते हैं असल में ये उतने ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो एक ही झटके में अपने शिकार को मौत के घाट उतार देते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की तो इनकी लंबाई 8 से 10 इंच के बीच होती है और इन्हें नीली धारी वाले ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्हें किसी भी खतरे का एहसास होता है तो ये अपनी नीली धारियों को तेज़ रोशनी की तरह चमकाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हैं और फिर उस पर झपट लेते हैं। आपको बता दूं कि इसका जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज़्यादा तेज़ होता है, जो लगभग 26 इंसानों को मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका काटना पूरी तरह से दर्दनाक और जलनशील नहीं होता, और यही कारण है कि जब भी ये किसी जीव को अपना शिकार बनाते हैं तो उसे काटने का एहसास नहीं होता, लेकिन इसके जहर से उसकी मौत ज़रूर हो जाती है। नंबर 4, जायंट ट्रेवले। दोस्तों ये मछली दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी मछलियों में से एक है, जो ज़्यादातर समुद्र के ऊपरी सतह पर रहना पसंद करती है। इसके अलावा इस समुद्र के ऊपर इनके शिकारी भी मंडराते रहते हैं ताकि कभी ये मछली समुद्र के ऊपरी सतह पर आए और उन्हें ये पकड़ ले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पक्षी नहीं जानते कि जिन्हें ये अपना शिकार समझ रहे हैं वही मछली इनका शिकार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये वो मछली है जो अपने शिकारी का ही शिकार कर लेते हैं। ये इतनी शातिर और ख़तरनाक होती है कि ये पानी के अंदर होते हुए भी समुद्र के ऊपर मंडराने वाले पक्षियों पर कड़ी नज़र रखती है और मौका मिलते ही तुरंत झपट लेती है। इस मछली का हमला इतना तेज़ होता है कि इस पक्षी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और देखते ही देखते ये मछली इसे अपना खाना बना लेती है। नंबर 3, कमेलियन। दोस्तों गिरगिट देखने के मामले में बहुत ही आकर्षक होते हैं, लेकिन इनके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खतरनाक चेहरा भी छुपा होता है, क्योंकि ये अपने लंबे जीभ की मदद से दूर बैठे शिकार को एक झटके में खा जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये गिरगिट अपने जीभ को अपने शरीर की लंबाई से भी अधिक दूरी तक फेंकने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि इनका हमला इतना तेज़ होता है, जिसके कारण इनके शिकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, और जब तक शिकार को समझ में आता है तब तक वो इसके मुंह में पहुंच चुका होता है। नंबर 2, बॉक्स जेलीफिश। दोस्तों इस दुनिया में जेलीफिश की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन अगर सबसे खतरनाक जेलीफिश की बात आती है तो सबसे पहला नाम बॉक्स जेलीफिश का ही आता है। अगर बात करें इसके आकार की तो इसका आकार 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा होता है, और इसके डेंटिकल्स लगभग 10 फीट तक लंबे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस डेंटिकल्स के अंदर जहरीले कांटे मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ देते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ फिलीपींस में ही हर साल लगभग 40 लोग सिर्फ इनके काटने से ही मारे जाते हैं, क्योंकि इनका जहर इंसान के शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। आपको बता दूं कि अगर कोई बॉक्स जेलीफिश पानी में इंसान को काट ले तो उसके किनारे तक पहुंचने से पहले ही
वो मारा जाता है। नंबर 1, कार्निवोरस कैटरपिलर। दोस्तों ये कैटरपिलर हवाइन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अगर बात करें इसके आकार की तो ये कैटरपिलर आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके हमले इतने खतरनाक होते हैं कि एक झटके में ही इनके दुश्मन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैटरपिलर की सभी प्रजातियाँ पूरी तरह से शाकाहारी होती है, लेकिन ये कैटरपिलर न सिर्फ मांसाहारी होते हैं बल्कि बड़े दर्जे के अव्वल शिकारी होते हैं, जो अपने शिकार को दबोचने के लिए अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करते हैं। अपने पंजों की मदद से ये अपने शिकार को इतनी मजबूती से कब्जे में लेते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद इनके शिकारी इनके चंगुल से नहीं बच पाते। इसके साथ ही ये इतने बेरहम शिकारी होते हैं कि ये अपने शिकार के मरने तक का भी इंतजार नहीं करते और उसे जिंदा खाना ही शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।